की दुनिया में बका चैनल की आमद पर मैं बका चैनल को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और खुश आमदीद भी कहता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि ये थीम बहुत अच्छी है, ये नारा बहुत अच्छा है बका का। जब भी आप बाहर से वापस आते हैं, अपने मुल्क में लैंड करते हैं, तो सबसे पहले लैंड करते हैं आप इस चीज़ का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह शुक्र है कि हम आज़ाद हवाओं में सांस ले रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी नेमत है जिसका हम सबको फ़ख्र होना चाहिए, और इस फ़ख्र को मतलब कायम रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हर काम जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से करें, इस मुल्क कौम की बका के लिए, इस मुल्क कौम की सलामती के लिए, इसकी तरक्की के लिए और अच्छे नाम के लिए, ताकि दुनिया में हमें अच्छे नाम से याद किया जाए और अच्छी जगह पर हम लोगों को प्लेस किया जाए। टीवी चैनल बका को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ माशरे से, और वो आ गए हैं और आपका चैनल भी इसी हवाले से है तो आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। वतन की बका तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि वतन हमारी माँ है, और अगर कोई अपनी माँ का ना होगा तो वो किसी का नहीं हो सकता। हमारा जीना, हमारा मरना सब कुछ इस वतन के लिए है, क्योंकि ये हमारी माँ है, हम इसका कर्ज नहीं लौटा सकते। बका न्यूज़ के आने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोगों को एक तशनगी है वो तशनगी ख़त्म होगी, सच और अच्छी खबर बर वक्त मिलेगी। उसके बाद उम्मीद है कि बका न्यूज़ को देखते देखते लोग कहेंगे कि बका न्यूज़ जो है वो अब न्यूज़ की बका है। मैं आने वाली जनरेशन को सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान है तो हम हैं, ठीक है, पाकिस्तान नहीं है तो कुछ भी नहीं। हमें ये चाहिए कि जो भी काम करें, हम जैसा भी काम करें, ठीक है, कोई इंजीनियर है, कोई पायलट है, कोई अकाउंट्स में है, कोई सिविल में कोई कर रहा है, कोई रेस्टोरेंट चला रहा है, हमें चाहिए कि काम जो है अपनी ईमानदारी से करें, पूरी ईमानदारी से, और उसमें कोई बेईमानी का आंसर ना आने दें। तो सब हम लोग जब अपना अपना काम करेंगे तो पाकिस्तान की खिदमत हो जाएगी और पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की की राह पर गामज़न होगा। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद हो नया चैनल खोलने के लिए, और आपका चैनल जो है वो खूब फले फले, और आप अच्छी न्यूज़ दिखाएं, पॉजिटिव न्यूज़ जो वतन की बका के लिए जो है अच्छी साबित हो। वल अल्लाह से दुआ है कि ये बका चैनल लोगों की बका का मसलक का जरिया बने, और पाकिस्तान में जो मसाइल हैं उसमें मीडिया का बहुत अहम रोल है। अप्रिशिएट करते हैं आप लोगों को कि आप लोग आए हैं और आप लोगों ने इसको कवर किया, ताकि आप लोगों की वजह से सारी पूरे पाकिस्तान इसको देख सकता है, आप लोगों ने कवर किया। थैंक यू सो मच बका न्यूज़, वेल डन। देखते रहिए बका न्यूज़।